तो नतीजों से पहले किलेबंदी। जी हां, पूछता है उत्तराखंड की आखिरकार इस किलेबंदी को लेकर क्या होगा कोई चुनावी फायदा। नतीजों से पहले किलेबंदी के मायने क्या हैं? क्या कांग्रेस बेचैन हो रही है या कांग्रेस उस जख्म को भरने की कोशिश कर रही है जो जख्म 2016 में बीजेपी ने दिया था। चुनाव नतीजे आने से पहले ही कांग्रेस उत्तराखंड में पूरी तरह से खुद को सेफ रखना चाहती है। कांग्रेस ही नहीं बल्कि बीजेपी भी किलेबंदी में जुटी है। लेकिन प्रदेश अध्यक्ष, जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, गणेश गोदयाल कहते हैं कि बीजेपी की मंशा और नीतियों पर उन्हें यकीन नहीं है। कांग्रेस बकायदा रणनीति तैयार कर रही है। रणनीति इस बात को लेकर कि चुनाव नतीजों से पहले या बाद में कांग्रेस के कोई भी विधायक बीजेपी के संपर्क में ना आए। दरअसल कई राज्यों में विधानसभा चुनाव जीतने के बाद कांग्रेस के कई कड़वे अनुभव उसे ऐसा करने पर मजबूर कर रहे हैं। कांग्रेस के नेता कहते हैं ऑफ द रिकॉर्ड कि सबक सीखा हमने, अब जीते विधायकों को बीजेपी के पाले में जाने की गुंजाइश पैदा ना हो इसलिए कांग्रेस अभी से ही कदम उठा रही है, अपने घर को मजबूत कर रही है, घर के दीवारों की किलेबंदी कर रही है। सियासी गलियारों में खबरें तैर रही हैं कि विधानसभा चुनाव के नतीजे आने से पहले कांग्रेस के उम्मीदवार काफी गंभीर दिखाई दे रहे हैं, उन्हें दूसरे राज्यों में शिफ्ट करने की तैयारी तक हो रही है जहां पर कांग्रेस शासित राज्य है, जैसे कि राजस्थान। खैर खबरें हैं, खबरों का क्या, लेकिन इतना जरूर है कि कुछ ना कुछ चल रहा है उत्तराखंड की सियासत में। वो चल क्या रहा है, अपने मेहमानों की तरफ रुख करें, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं ये दिलचस्प रिपोर्ट और फिर सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। तो नतीजों से पहले किलेबंदी शुरू हो गई है। जी, पिछले कुछ चुनावों में कई राज्यों में विधानसभा चुनाव जीतने के बाद भी कांग्रेस के कई कड़वे अनुभवों का सामना करना पड़ा। उससे सबक सीखकर वो अपने जीते विधायकों को बीजेपी के पाले में जाने की गुंजाइश को खत्म कर देना चाहती है। सियासी गलियारों में खबरें आम हैं कि विधानसभा चुनाव के नतीजे आने से पहले कांग्रेस अपने उम्मीदवारों को लेकर काफी ज्यादा गंभीर दिख रही है। खबरें तो इस बात की भी है कि उत्तराखंड, गोवा और पंजाब के विधायक उम्मीदवारों को नतीजों से पहले राजस्थान में शिफ्ट किया जा सकता है। हालांकि कांग्रेस के कप्तान रणनीति का इजहार नहीं कर रहे, मगर बीजेपी की मंशा पर सवाल जरूर खड़ा कर रहे हैं। मेरी तरफ से आप ये प्रश्न वहां भी पूछेगा कि एक तरफ तो कह रहे हैं कि प्रचंड बहुमत आ रहा है, दूसरी तरफ आगे पूर्व की ओर जाने की चेष्टा कर रहे हैं, तो ये तो विरोधाभासी बातें। देखिए, सच्चाई ये है कि भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व है वो भी समझ गए हैं कि जमीन खिसक चुकी है। उत्तराखंड में जमीन खिसक चुकी है, उत्तर प्रदेश में जमीन खिसक चुकी है, और इसका आभास पूरी तरह हो चुका है। उन्हें बड़े नेताओं को बुला रहे होंगे कि भाई क्यों हुआ, कैसे हुआ, अपना स्थिति का आकलन कर रहे होंगे कि क्या हो सकता है। लेकिन ये तय है कि इस प्रदेश में एक हफ्ते बाद बनने वाली सरकार कांग्रेस की सरकार होगी। वहीं बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान का दावा है कि कांग्रेस को इस बात का इल्म है कि वो सरकार नहीं बनाने जा रहे, इसलिए तरह तरह के बहाने ढूंढ रहे हैं। हालांकि 7 मार्च को हमारा चुनाव को लेकर एक बैठक आहूत होने जा रही है, तमाम विधायक प्रत्याशी और सांसद इस बैठक में मौजूद रहेंगे, कोई टेंशन नहीं, सरकार हमारी बनने जा रही है। कांग्रेस क्या कहती है और क्या नहीं कहती इस पर ज़्यादा बोलने की आवश्यकता हमको नहीं है, लेकिन ये निश्चित है कि भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बन रही है। लेकिन कांग्रेस पूरी तरह से हताश और निराश है, इसीलिए वो इस तरह से अनर्गल बयानबाजी करके कभी पोस्टल बैलेट, कभी ईवीएम, कभी कुछ जो उनके मन में आए वो उनको बोलते जा रहे हैं, लेकिन ये उनकी बौखलाहट है और प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है। खैर, सरकार किसकी बन रही है किसकी नहीं ये तो जनता तय कर चुकी है, मगर इंतजार अब 10 मार्च का है। इतना जरूर है कि 10 मार्च के बाद अब नया संग्राम उत्तराखंड में शुरू हो सकता है। अपने सहयोगी सागर बिष्ट के साथ सुभाष गौड़,
न्यूज वर्ल्ड इंडिया देहरादून। दरअसल इस किलेबंदी के मायने क्या हैं वो भी आपको बता दें और फिर अपने मेहमानों की तरफ रुख करेंगे, क्योंकि हमारे मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। लेकिन इस पूरी सियासी कहानी के पीछे की वजह क्या है, इतिहास कांग्रेस को ये क्यों जो है मजबूर कर रहा है, इतिहास इस बात का गवाह है कि कांग्रेस को वो क्यों मजबूर कर रहा है कि कांग्रेस अपने विधायकों को बचा ले। दरअसल ये सियासी कहानी 2016 के उस सियासी प्रकरण से जुड़ी है जब हरीश रावत की सरकार खतरे में आ गई थी। सदन के भीतर उन्हीं के विधायकों ने उनका विरोध कर दिया था। हरक सिंह रावत ने तमाम विधायकों के टोले के साथ हरीश रावत की सरकार को हिला दिया और दिल्ली कूच कर लिया। बीजेपी की बस में सवार होकर वो दिल्ली पहुंचे और हरीश रावत की सरकार खतरे में आ गई थी। अब 2012 का प्रकरण, जब 31 और 32 सीटों के फेर में खंडूरी चुनाव हारे और चुनाव हारने के बाद कांग्रेस को जब मौका मिला सरकार बनाने का, तो वो कांग्रेस ने भी विधायकों के सहारे, निर्दलीय विधायकों के सहारे अपनी सरकार बना ली और एक पीडीएफ का गठन हुआ था जिसमें बीएसपी के भी विधायक शामिल थे, और ऐसा ही 2007 में भी हुआ था। तो इसलिए कांग्रेस मजबूर है कि नतीजों से पहले अपने घर की किलेबंदी कर ले। सीधा रुख कर रहे हैं, राजीव चौधरी हमारे साथ जुड़ गए हैं, विनय गोयल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव चौधरी कांग्रेस से हैं और विनय गोयल जी बीजेपी से हैं, और दोनों धुरंधर हैं, एक युवा चेहरा है और एक अनुभवी चेहरा है। विनय गोयल जी कैसे हैं आप? हाँ बढ़िया तिलक जी, बढ़िया। नमस्कार विनय गोयल जी, बहुत दिनों बाद आपके दर्शन दीदार हुए। चुनाव के वक्त खूब मेहनत पसीना बहाया आपने भी। ये कांग्रेस के नेता बहुत परेशान लग रहे हैं आप लोगों से, कह रहे हैं कि घर की किलेबंदी कर ले, कहीं बीजेपी एक बार फिर से घर में सेंध ना मार दे। ये इनको आप डरा रहे हैं या फिर सेफ हैं अभी ये? नहीं देखिए, ये इनके दिल का डर है, क्योंकि इनके यहाँ इनके नेताओं के पास समय नहीं होता इनके नेताओं से बात करने के लिए। भारतीय जनता पार्टी का अगर आपने इतिहास देखा होगा, आपने इसकी चर्चा भी की, 2012 में जब कांग्रेस ये मानती थी कि एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस के प्रसाद से, 2012 में कांग्रेस ये मानती थी कि उनका सरकार बनाने का नाम, लेकिन उस समय भी कांग्रेस को बहुमत नहीं मिला और कांग्रेस से बीजेपी की केवल एक सीट कमाई थी, आधा परसेंट वोट कम थे। हमने किसी तरह का कोई प्रयास नहीं किया कि कोई भी किसी भी तरह से सरकार बनाने की कोई कोशिश नहीं की, क्योंकि कांग्रेस का एक सीट ज्यादा थी तो कांग्रेस ने दबाव किया और कांग्रेस ने निर्दलीयों और अन्य लोगों के साथ मिलकर सरकार बनाई। परिणाम जिस प्रकार से हरीश रावत जी अपने साथ किसी को लेकर चलने की और कांग्रेस में असंतोष और कांग्रेस में टूट हुई, उसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई नहीं था। आज अगर इनका घर ठीक नहीं है तो इनकी जिम्मेवारी इनकी है अपने घर को ठीक रखना। नहीं गोयल जी, ये कांग्रेस इतनी बेचैन क्यों, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। वो आप लोग क्यों ये नहीं कहते कि चार्टर्ड प्लेन नहीं आएगा, कोई बस नहीं आएगी, किसी विधायकों का अपहरण नहीं होगा, किसी विधायकों को तोड़ा नहीं जाएगा? आप सीधा सीधा बोल दीजिए ना, चौधरी जी भी हरीश रावत जी को फोन कर देंगे यहीं से कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, गोयल जी कह रहे हैं। तिलक जी आपने देखा, मैंने आपको उदाहरण देके बताया कि 2002 से लेके और 2017 तक ऐसी एक भी घटना नहीं हुई, लेकिन क्योंकि इनके दिल में चोर है, इनको पता है कि अभी भी धनबाद कितने हैं और किस तरह से एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए तैयार है। हरीश रावत जी से आपने भी देखा होगा, हरीश रावत जी लगातार कह रहे हैं कि किसी प्रकार से उन्हें मुख्यमंत्री पद का प्रत्याशी घोषित कर दिया जाए, मुख्यमंत्री पद का प्रत्याशी घोषित कर दिया जाए।
लेकिन उनके ही नहीं नहीं गोयल जी, मुझे तो ये किसी ने बताया कि हरीश रावत जी के, हरीश रावत जी ने दो जेब के अंदर एक जो है वो पूर्ण बहुमत वाली कैबिनेट बना रखी है और एक समर्थन के साथ वाली। अगर उन्होंने कहा कि ये वाली निकालनी है ये वाली निकालनी है, वो दो सूचियां बना रखी है, कैबिनेट भी बना ली है उन्होंने, चर्चाएं तो इस बात की नहीं। मुझे 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 लगता है कि ये दोनों जेब वाली जैकेट उन्हें छुट्टी पे टांग के जाना पड़ेगा। अच्छा, ये दोनों जेब काम नहीं आएंगी। हाँ अच्छा चौधरी जी, सुना आपने, देखिए विनय गोयल जी को पूरा उत्तराखंड जानता है और बहुत लंबे अरसे से तो मैं भी जानता हूँ, जब से उत्तराखंड की सियासत को कवर कर रहा हूँ। गोयल जी कह रहे हैं ऐसी कोई बात नहीं है, आप लोग निश्चिंत रहिए, कोई तोड़फोड़ कुछ नहीं होगा, अपने घर को बचाइए, आपके विधायक बिकाऊ थोड़ी ना चौधरी जी, इतनी नजरबंदी इतनी सब कुछ क्यों चल रहा है? चौधरी जी प्लीज अनम्यूट कर लीजिए सर। चौधरी जी आपके हेडफोन में आवाज नहीं आ रही, मैं कनेक्ट कर रहा हूं दोबारा से। डीके पाल साहब मेरा ऑडियो आ रहा है आपको? पाल साहब बिल्कुल आ रहा है जी। सुना आपने गोयल जी को, कांग्रेस अपने घर की किलेबंदी कर रही है और बीजेपी कह रही है कि हमारा कोई ऐसा इरादा नहीं है कि इनके घर में तोड़फोड़ करेंगे। खैर वैसे तो कहने वाले ये भी कह रहे हैं कि डीके पाल साहब ना आप 3 में है ना 13 में है, एक विधायक गलती से आ जाए तो आ जाए और वो भी आपके साथ रहे या ना रहे कोई गारंटी नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोगों की क्या तैयारी है? देखिए पहली बात तो कि हम 3 में तो इरादे की देव तुल्य जनता 10 तारीख में अपना जवाब दे चुकी है और हमको आंसर मिल जाएगा, इनको भी मिल जाएगा। दूसरी बात में भी नहीं है, 13 में भी नहीं, तो हमारी वजह से ये विचलित क्यों है? कौन विचलित? हमारे नेताओं पर तमाम मुकदमे क्यों? कौन विचलित है? हमारे लोगों के पीछे तू अपनी तरह की जो है कतलबंदी कार्यकर्ताओं को छुड़वाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको डरा रहे हैं, धमका रहे हैं और मजबूर कर रहे हैं। जब हम 3 और 13 में नहीं है, ये डर क्यों रहे हैं? नहीं, कौन डरा रहा है आपको बताइए? आपके कार्यकर्ताओं को किसने धमकी दी? आप कह रहे धमकियां दे रहे हैं, कौन धमकी दे रहा है बताइए? नहीं, ये तो भारतीय जनता पार्टी की कि जो जिसको ये दबाना चाहते हैं उसको डराते हैं। कोई आधार तो होगा कि ये बीजेपी वाले तो डराते हैं, कोई आधार तो होगा, आपने किस प्रत्याशी को डराया? नहीं तो अरे ये तो जग जाहिर है, आपके टीवी के माध्यमों से हमारी कार्यकर्ता टूटते हैं, ये लोग प्रेस करवाते हैं उनसे और बोलते हैं हम तुम्हारे साथ हैं, पहले डराते हैं छुड़वाते हैं हमको और बाद में फिर वो करते हैं। खैर ये बात इतनी बड़ी नहीं है, हम डरने वाले नहीं है, जनता के हितैषी है, जनमानस के साथ खड़े हैं, इसलिए डरने वाले नहीं है। दूसरी बात कांग्रेस के बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूँ। पहले आप प्रत्याशी का नाम बताइए, कौन से, काशीपुर वाले को डराया, बाजपुर वाले को, किसको डराया बताइए? बिल्कुल डराया, इनकम टैक्स के छापे ये चुनाव के बीच में लगवा रहे हैं, शर्म आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी को, सोचना चाहिए कि तुम कैसे कुकर्म कर रहे हो, जनता जवाब इनको देगी, जनता जवाब देगी, इसलिए हमने उस पर कोई एक मिनट। गोयल जी कल तक आप लोग ये कह रहे थे कि ये ना 3 में है ना 13 में है, कर्नल कोठियाल जमानत नहीं बचा पाएंगे, इन्होंने जो है ये कांग्रेस की बी टीम है, अब ये आपके सामने बैठकर कह रहे हैं कि बीजेपी नेताओं ने धमकी दी है हमारे प्रत्याशियों को, डरा रहे हैं, ये क्या चल रहा है? नहीं मुझे नहीं पता ये किस तरह से इस तरह की बात करके क्यों अपनी वैल्यू बनाना चाह रहे हैं। ये वाकई 3 में है ना 13 में, और वाकई अभी भी हम ये कह रहे हैं कि अभी भी इनके प्रत्याशियों की जमानत बचने वाली नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि अभी है। चैनलों में बहुत जगह मिलने लगी, जो यूकेटी जैसा पुराना दल था उसको स्थान नहीं मिलता, इनको स्थान मिलता है, जिसका अभी एक ग्राम प्रधान भी चुनाव नहीं आया, लेकिन ये चुनाव के बाद इनको खुलते सबके सामने आ जाएगी। अच्छा ये 10 के बाद इनका कैंप खत्म हो जाएगा? बिल्कुल, कोई नहीं बुलाएगा, चैनल पे भी नहीं बुलाएंगे आपको। लेकिन ये कह रहे हैं कि हमारे प्रत्याशियों पर भी नजर है आपकी, इनके कौन से प्रत्याशियों पर नजर है आपकी? नहीं नहीं मैंने ऐसा नहीं कहा, हमारे प्रत्याशी पार्टी के साथ खड़े हैं सर। मैंने मैं अपनी बात आगे रखूं, एक मिनट डीके पॉल जी, मैंने कई ऐसे प्रत्याशी देखे जिस दल का ये जिक्र कर रहे थे, इस दल को खड़ा करने वालों ने सत्ता की गोद में बैठ के मलाई खाई है।
अभी गोयल जी जिस दल का जिक्र कर रहे थे, उस दल को दलदल बनाने वालों ने ही सत्ता की गोद में बैठ के मलाई खाई है। खैर छोड़ी हो बात, अवधेश जी, अवधेश जी चल क्या रहा है उत्तराखंड की सियासत में? गोयल जी कह रहे हैं हमारा कोई ऐसा इरादा नहीं है, ये खामा का बदनाम कर रहे हैं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस वाले, बेवजह बदनाम कर रहे हैं, और कांग्रेस के नेता किलेबंदी कर रहे हैं अपने प्रत्याशियों की, चक्कर क्या है? देखिए बिल्कुल गोयल जी इस चीज को बोलेंगे कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन वाकई कांग्रेस बिल्कुल डरी और सहमी हुई है। 2016 के बाद से कांग्रेस हर कदम फूंक फूंक कर रख रही है, क्योंकि वो जानती है कि ये पुरानी वाली बीजेपी नहीं है कि अगर हम एक सीट भी पिछड़ गए या एक सीट भी आगे रही तो ये हमें मौका देगी। ये मोदी और अमित शाह की बीजेपी है कि अगर ये हमसे एक सीट क्या चार सीट भी पीछे रही तो ये सरकार बना लेगी। तो इसलिए कांग्रेस हर उस रणनीति पर विचार कर रही है। कांग्रेस को एक तो अपने विधायक जो जितने कांग्रेस के हैं अपने विधायकों से भी डर सता रहा है, मतलब कांग्रेस इस चीज को लेकर श्योर नहीं है कि अगर हमें उत्तराखंड में रखेंगे देहरादून में रखेंगे तो इनकी टूट की संभावना नहीं होगी। कहीं ना कहीं कांग्रेस को अपने जो विधायक है उन पर भी थोड़ा सा डर सता रहा है कि कहीं इनमें से कुछ विधायक छूट ना जाए तमाम चीजें, क्योंकि बीजेपी 2016 में जो रणनीति बीजेपी ने अपनाई थी वो रणनीति इस बार अपना जो कांग्रेस के इंटरनल सूत्र है उन सूत्र का बोलना है कि उनको जगह जगह से ये इनपुट मिले हैं कि 2016 की रणनीति पर बीजेपी एक बार फिर काम कर रही है, तमाम लोगों तक जो है पहुंच जो है अलग अलग माध्यमों से हुई है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस इस बात से विचलित है कि अगर ये चीजें एक सवाल खड़ा होता है अवधेश जी, इसमें बीजेपी की क्या गलती? अगर कांग्रेस सरकार बनाने में देरी करे और बीजेपी वहां पर बाजी मार जाए तो इसमें बीजेपी की कहां गलती? मैं गोवा का उदाहरण देकर बता रहा हूं आपको। जी बिल्कुल बीजेपी की कोई गलती नहीं है, लेकिन कांग्रेस का जो अंदर का डर है, कहते ना कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है, तो वही उनकी स्थिति हो रखी है इस टाइम कि उन्हें बीजेपी का, उन्हें पता है कि हम एक पल भी चुकेंगे या एक सेकंड भी चुकेंगे तो बीजेपी सरकार बना लेगी, तो वो बीजेपी को कोई ऐसा मौका नहीं देना चाहती है। वो चाहती है आप हरीश रावत से भरोसे पूरी लड़ाई को लड़ लीजिए, आप यही कह रहे हैं ना? अगर बीजेपी के कोई नेता एक्टिव हो गए, आप आरोप लगा दीजिए, कुछ भी लगा दीजिए, जैसे चौधरी साहब अभी लगाएंगे, मैं गोयल साहब के पास भी जाऊंगा, लेकिन एक बात चौधरी साहब, अब मेरा ऑडियो आया आपको? जी आ रहा है, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल आ रही है। अब आपके सामने मैंने श्योरिटी ली गोयल जी से, कुछ और श्योरिटी चाहिए आपको? वो कह रहे कि ऐसी कोई बात नहीं है, कोई चार्टर्ड प्लेन नहीं आ रहा, कोई बस नहीं आ रही, कोई विधायकों की खरीद फरोख कुछ नहीं हो रही, आप लोग निश्चिंत रहिए, सिर्फ ये ढूंढिए कि ईवीएम में बहाना कि भैया ईवीएम खराब थी। नहीं नहीं, पहले तो मैं सब आपके श्रोताओं को नमस्कार करता हूं, और मैं ये कहना चाहता हूं गोयल साहब जो हैं पुराने वाली बीजेपी के नेता हैं, मैं इनका बहुत ज्यादा समय से, बहुत लंबे समय से राजनीति में इनके बारे में जानता हूं। पुराने लेकिन दिक्कत क्या है, पुरानी बीजेपी के नेता हैं जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी, अडवाणी, जिनके अपने कुछ सिद्धांत होते थे, आज की जो नई चौधरी साहब, ये लोग किसी भी कंडीशन पर सरकार बनाना चाहते हैं। आप ये देखिए यूक्रेन में भारत के हमारे बच्चे फंसे हुए हैं, और प्रधानमंत्री जी जो देश के प्रधानमंत्री है वो एक पार्टी के नहीं, उत्तराखंड में आइए ना आप, यूक्रेन जा रहे हैं फिर उसके बाद फिर आप बनारस चले जाएंगे, अभी उत्तराखंड में रहिए। आप मुझे ये बताइए कि गोयल जी से आपको ये श्योरिटी चाहिए? आप कह रहे गोयल जी वो पुरानी बीजेपी के नेता हैं। गोयल जी तो श्योरिटी दे देंगे, लेकिन जो गोयल जी की नई बीजेपी है वो कुछ भी कर सकती है, हमें उस पर विश्वास नहीं है। और रही बात यह है कि ऐसा नहीं है, देखिए जनता ने परिवर्तन कर दिया उत्तराखंड के अंदर, आपके प्रत्याशी बिकाऊंगे क्या? ना बिकाऊ कुछ नहीं होते हैं। आप देखिए हमारे तो वो मैंने एक बात शुरू में की थी कि छाछ भी भूख कर पीता है, नहीं हमारे पास कर्नाटक का उदाहरण है, हमारे पास एमपी का उदाहरण है, हमारे पास गोवा का उदाहरण है, सिक्किम का उदाहरण है। तो मेरा कहना यह है, नहीं नहीं हम अपने प्रत्याशियों को नहीं कर रहे हैं, हम अपनी पार्टी की सेफ्टी की बात कर रहे हैं, जो हमारे नेता ये सोच रहे हैं अपनी पार्टी के अपने सिद्धांत है, हर पार्टी यही करती है, भारतीय जनता पार्टी भी यही करती है, भारतीय जनता पार्टी खुद अपने सब प्रत्याशियों पर लगातार निगाह बनाए हुए हैं। ये तो
ये तो इजराइल से एक ऐसा यंत्र भी ले आए हैं, ये तो सारी बातें सुन लेते हैं, सब देख लेते हैं कहाँ बैठा है हमारा प्रत्याशी, कहाँ हमारा विधायक बैठा है, तो इनके पास तो सारा सिस्टम है, हमारे पास उस सिस्टम का अभाव है। तो ऐसा नहीं है, कांग्रेस बहुत मजबूत स्थिति में है, सरकार है, हमारी सरकार बनने वाली है, और चिंताएं भारतीय जनता पार्टी के माथे पर है, कांग्रेस के माथे पर है। देखिए बहुत शालीन व्यक्ति है, अगर कोई और बीजेपी का नेता है सुन लेता ना तो अभी तक तो पूरी डिबेट में कोहरा मच जाता। मैं भी इनका बड़ा सम्मान करता हूं, मैं भी बहुत सम्मान करता हूं। अभी रुकिए एक बात, एक चौधरी साहब, मैंने पहले कहा, एक मिनट साहब, सीधी सीधी बात बताइए ना, एक मिनट, मैंने कहा जी सीधी सीधी, मैं एक बात कहना चाहूंगा प्लीज, मैंने गोयल जी के लिए पहले ही कहा कि गोयल जी पुरानी बीजेपी के लोग हैं, तो इनकी शालीनता पर कोई हमें शक नहीं है, ना इनके सिद्धांतों पर कोई शक है, लेकिन नहीं भाजपा से डर लगता है, नहीं भाजपा से डर लगता है। अच्छा मुझे एक बात बताइए, चलिए ठीक है, आप अपने विधायकों की, अपने प्रत्याशियों की किलेबंदी कर रहे हैं, जो बाहर वाले उनकी क्या गारंटी है, समझ रहे हो? बाहर वालों की जरूरत नहीं है, कांग्रेस पूरे बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है, बाहर वालों की जरूरत नहीं है, ज्यादा 48 के करीब सीट मिले, बाहर वालों की जरूरत नहीं पड़ेगी, 10 तारीख के बाद बात करूंगा, कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, कांग्रेस 10 तारीख को बात करूंगा जी, बिल्कुल, हम 45 से ज्यादा सीटें, 48 से 45 के बीच में सीटें ले रहे हैं, 45 से ज्यादा, हाँ जी, कुछ ज्यादा नहीं हो गया? नहीं बिल्कुल ज्यादा नहीं हो गया है, मैं आपको विश्वास, मैं आपके चैनल से ये बताना चाहता हूँ, हरिद्वार जनपद के अंदर ही बहुत बड़ा फेरबदल होने वाला, वही हरिद्वार जनपद की बात कर रहा हूँ, हाथी के, जी जी हरिद्वार जनपद, हरिद्वार जनपद की एक कहानी बताऊं, हाथी की सूंड पर कमल दिखाई दे रहा था मुझे, कोई बात नहीं, ये लोग कितने ही मिलकर लड़ रहे हो चुनाव, लेकिन हम हाथी और कमल दोनों उसका मिलकर मुकाबला कर लेंगे, हम बात करूंगा दर्शकों, गोयल जी प्लीज, अब आपकी बात, गोयल जी सुना आपने चौधरी जी कैसे कैसे इल्जाम लगा रहे हैं आप पे, मैं तो सुनकर दंग रह गया, मैंने तो इनको समझाया गोयल जी ऐसे व्यक्ति नहीं है, ये कह रहे गोयल जी पर तो यकीन है लेकिन नई बीजेपी से डर लगता है मुझे, नई बीजेपी से डर लगता है, नहीं देखिए अगर ये भाजपा से डरते हैं तो मुझे लगता है कि ये ठीक डरते हैं, भारतीय जनता पार्टी किसी भी कीमत पर देश के लिए कुछ भी कर सकती है, अगर एयर स्ट्राइक करने की हिम्मत अगर किसी में है तो नहीं भारतीय जनता पार्टी में है, अगर राम मंदिर बनाने की हिम्मत किसी में है तो आज से नहीं भारतीय जनता पार्टी में है, अगर 3 तलाक का मुद्दा सॉल्व करने की हिम्मत किसी में है तो आज से नहीं भारतीय जनता पार्टी में है, अगर आने वाले समय में कानून शिविर टूट जाएगा तो वो नई भारतीय जनता पार्टी लेने वाली है, अगर जनसंख्या नियंत्रण कानून आएगा तो वो नई भारतीय जनता पार्टी लेने वाली है, और इसमें मुझे गर्व है कि मैं भारतीय जनता पार्टी का सदस्य हूँ, तो मुझे लगता है कि अगर आप ऐसी भारतीय जनता पार्टी से डरते हैं तो आपका काम ठीक है। गोयल जी आपने भी कोई बैठक बुलाई है सुनने में आया? नहीं देखिए भारतीय जनता पार्टी लगातार सक्रिय रहती है, संवाद करती है अपने कार्यकर्ताओं के, अपने नेताओं के अनुभवों का लाभ उठाती है, उनका मार्गदर्शन प्राप्त करती है, और क्योंकि हमारे प्रदेश में चुनाव संपन्न हो चुके हैं, आज उत्तर प्रदेश में भी चुनाव प्रचार का अंतिम चरण का अंतिम दिन था, तो अब वहां भी जो हमारे नेता जी है, मैंने जो 7 मार्च को आपने बैठक बुलाई है उसके पीछे वजह क्या है? 7 मार्च को आपने भी तो बैठक बुलाई है ना? नहीं 7 मार्च की जो हमारी बैठक है, हमारे जो प्रभारी है चुनाव के, जिन्होंने पूरी कमान संभाली हमारे प्रहलाद जोशी जी, वो आ रहे हैं, उनका मार्गदर्शन हमें प्राप्त होगा, वो सभी अपने प्रत्याशियों से, प्रभारियों से। अच्छा तो मतलब मैं ये मान लूं ना, आप भी किलेबंदी कर रहे हैं, आप भी मन टोह रहे हैं अपने प्रत्याशियों का कि नहीं? हमारा तो पिछला पहले से मजबूत है। अच्छा सर एक बात बताइए, अवधेश जी जैसे तमाम पत्रकार हैं जो वहां पर ग्राउंड जीरो पर काम कर रहे हैं, मुझे तो ज्यादा ज्ञान है नहीं लेकिन फिर भी मैं आपसे पूछ लेता हूं कि वो सुनने में आया सर, वो 2016 वाले मध्य प्रदेश के नेता एक्टिव हो गए उत्तराखंड में, कुछ ऐसा है क्या? नहीं मुझे लगता है कि ये सब कांग्रेस के जो डर है ना, सब तरह के डर बोल रहे हैं, 2016 का मैंने जैसा पहले आपको, नहीं 2016 वाले मध्य प्रदेश के नेता एक्टिव हो गए हैं ये इस तरह की अफवाहें फैला रहे हैं? नहीं हो सकता है इनके दृष्टि से कहीं दिखाई दिया, मुझे तो नहीं मिले। वो एक्टिव है कि नहीं सर 2016 वाले?
नहीं नहीं अगर इन्हें इन्हें लग रहा है कि है तो अगर इनको समझते हैं तो ठीक है, लेकिन मेरे को कोई जानकारी में इस तरह का कोई नहीं है चौधरी साहब। फिर मैं डीके पॉल जी आपके पास आ रहा हूँ। देखिए मैंने पूछ लिया, जो आप लोगों का संदेह मैं साफ साफ पूछ रहा हूँ, वो कह रहे मध्य प्रदेश वाले एक्टिव नहीं है अभी। नहीं नहीं बिल्कुल गोयल साहब का हमें पूरा भरोसा है, ये तो शालीन व्यक्ति हैं, लेकिन लेकिन भारतीय जनता पार्टी में आजकल जो शीर्ष सत्ता में बैठे हुए हैं उन लोगों की मनसा पे कभी भी विश्वास नहीं किया जा सकता, और ये गोयल साहब भी उस पर विश्वास नहीं करते हैं, ये भी जानते हैं। तो लेकिन क्या है कि पार्टी की लाइन में बोलना पड़ता है। मैं ये कहना चाहता हूँ, गोयल साहब अभी ये कह रहे थे कि हमने यदि स्ट्राइक किया हमने ये किया, अरे भैया ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है जो सेना के पराक्रम पर खुद वोट मांगने का काम करते हैं। कांग्रेस पार्टी ने तीन तीन युद्ध लड़े हैं और भूगोल बदल दिया है इस धरती का, दो पाकिस्तान का पाकिस्तान को टुकड़े करके बांग्लादेश बना दिया, लेकिन हम लोग उस पे जाकर वोट नहीं मांगते हैं। हम लोगों ने एयरलिफ्ट करके लाखों लोगों को देश में विपदा के टाइम पर लाया, लेकिन हम उनका चौधरी साहब उनका 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 इवेंट नहीं चाहते हैं। आप ये देखिए, फिर पाकिस्तान पहुंच जाते हैं, कितना बड़ा इवेंट चल रहा है, सरकार बनाओ अपनी। कितना नहीं नहीं आप गोयल साहब ये कह रहे थे ना, मैं गोयल साहब की बात का जवाब दे रहा हूं। अपने विधायक बचाओ, कहां पाकिस्तान और चीन जा रहे हो, अपने पहले विधायक बचाओ जो जीत के आ रहे हैं। विधायक सब बचे हुए हैं, निश्चित रूप से कांग्रेस की सरकार बन रही है, विधायक कोई कहीं नहीं जा रहा है। ये तो पार्टी का तरीका होता है, जब हमारे पास समय है तो भविष्य में उत्तराखंड में कैसी सरकार चलानी उसके लिए हमारे नेता विचार विमर्श कर रहे हैं, अपने लोगों से बात कर रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम लोगों को तैयारी करनी। ओके डीके पॉल जी, उत्तराखंड को जो गर्त में पहुंचा दिया है उस उत्तराखंड को पटड़ी विकास की पटड़ी बनाने की तैयारी भी तो कर दी हमारे नेताओं को। आपको क्या लगता है कांग्रेस के लिए बंदी क्यों कर रही है, क्या उसे डरना चाहिए या फिर नहीं? मतलब डरना मतलब बेचैन है, कोई किले बंदी नहीं कर रही है कांग्रेस कोई किले बंदी। चौधरी साहब को रोकिए, बड़ी जल्दी में है कांग्रेस पार्टी इस देश की, अपितु इस उत्तराखंड राज्य की सबसे कमजोर पार्टी है। मैं जो भी बात करूंगा तथ्य के आधार पर करूंगा, इसलिए कमजोर पार्टी है, नेताओं का डर इनके दिल में घर छा हुआ है। खासतौर से हरीश रावत ने 2002 का आज भी मेहनत इनकी तो बनाया तो इनका डर बाकी। 2012 में फिर दोबारा से रावत का ही डर उनके अंदर घर करके बैठा हुआ है। 2016 में ये अपने विधायक को बचा पाए, बात का डर की दोबारा से फिर जो हमारे नाम, मैं तो ये अभी ये नहीं बताना चाह रहा हूँ कितने जीत के आने वाले हैं, लेकिन जो भी जीत के आने वाले हैं कहीं वो पहले से पहले ही ना बिक जाए। पूरी कांग्रेस पार्टी हर तरह से तैयार, बिकने के लिए भी तैयार है, वाजिब है। पर मैं कमजोर पार्टी की बात नहीं करूंगा, मैं इसका चरित्र इस देश के अंदर इस राज्य के अंदर बार 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 देखने को मिलता हुआ है। भारतीय जनता पार्टी जो चंडीगढ़ में 12 काउंसलर होने के बाद अपना मेयर बना लेती है, पूरा देश देख रहा है। हम सुप्रीम कोर्ट गए हुए हैं उसके लिए, गोवा के अंदर ये इंतजाम की बात करिए, इंतजार नहीं करने देते। कांग्रेस से आप इतना नाराज क्यों हैं लोगों को, कांग्रेस से इतना नाराज क्यों हैं, क्या बीजेपी से गुस्सा नहीं आता आपको? नहीं बीजेपी तो भ्रष्टाचारी पार्टी है, करती उसको तो हम जीरो तक पहुंचाने वाली अगर देश में कोई पार्टी है दिल्ली के अंदर, जहां 5 सांसद इनके वहां केवल और केवल आम आदमी पार्टी केजरीवाल जी की पार्टी गपचप करवा देती है। आपके खड़े होने से कांग्रेस को नुकसान हुआ कि नहीं, बीजेपी को फायदा पहुंचा कि नहीं? डीके पाल साहब आकलन किया आप लोगों ने बीजेपी को कितना फायदा पहुंचा आप लोगों के खड़े होने से उत्तराखंड में? हमारे खड़े होने से नींद आराम हो गई इनकी। आप फायदे की बात कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी नींद आराम हो गई है, आप देख लीजिएगा। अच्छा सोने जा रही है आम आदमी पार्टी उत्तराखंड के अंदर, डंके की चोट पे कहना चाहता हूँ। कितनी 71 कितनी सीटें आ रही है, 71-72? सर मैंने विश्लेषण नहीं किया, आप और मध्यस्थता भी आप ही कराएंगे कांग्रेस भाजपा में। नहीं आपके नेता बता रहे थे 72 सीटें आ रही है, मैं तभी पूछ रहा हूँ। नहीं नहीं ये तो 10 तारीख में पता चलेगा, जो भी निर्णय होगा, जनता ने जो दिया है निर्णय उसको सर माथे पर रखी, और दो काम करेंगे, सत्ता में आएंगे तो काम की राजनीति, सत्ता में आएंगे एक नई शुरुआत, दूसरी शुरुआत यहाँ से होगी। और अगर गोयल जी भी मुस्कुरा रहे हैं चौधरी साहब, तो कांग्रेस भाजपा के नाक में दम कर देंगे जो भी अवधेश भाई, अवधेश भाई ये आम आदमी पार्टी के इस कॉन्फिडेंस का राज क्या है
क्या काशीपुर इसका राज है, बाजपुर राज है, या फिर नैनीताल राज है, इसका पीछे का राज क्या है? क्योंकि चौधरी साहब बागेश्वर भी हो सकता है सर, बागेश्वर भी हो सकता है, भूल गया। हाँ, मैं पूछ रहा था अगला, बागेश्वर कौन, बसंत कुमार जी की बात कर रहे हैं क्या? जी जी, हमने भी कई सियासत के बसंत देखे हैं सर, मौसम आने पर बदल जाते हैं, है ना सर? एक मिनट अवधेश जी, ये कहां से कॉन्फिडेंस दिखाई दे रहा है आम आदमी पार्टी में? दावा कर रहे थे जीती गंगोत्री, उसने बनाई सरकार, इसलिए गए कर्नल कोठियाल, कर्नल कोठियाल जमानत बचाने के लाले पड़ गए, ये चल क्या रहा है? ये फिर भी कॉन्फिडेंस में दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, अभी रिजल्ट कहाँ आया सर, अभी रिजल्ट कहाँ आया, रिजल्ट आने दीजिए। जो अभी तक की सियासत रही है आम आदमी पार्टी का, जो इनका सफर रहा है दिल्ली और पंजाब का, कहीं ना कहीं वो इनको अंदर जो है आत्मविश्वास लाता है कि इन्होंने दिल्ली में भी, जब हम इनकी कल्पना नहीं कर रहे थे कि ये 68 सीटें लेकर आएंगे, हम सोच रहे थे 30-35 सिमट जाएंगे, ये वहां भी लेके आए, तो कहीं ना कहीं उसके बाद पंजाब में भी इन्होंने चमत्कार किया, लोकसभा हो या अब जो विधानसभा का चुनाव रहा है, तो ये परिणाम इनको आत्मविश्वास वहां से आ रहा है कि हमने दो जगह चमत्कार किया है, उत्तराखंड में हो जाएगा। लेकिन उत्तराखंड में ऐसी स्थितियां दिखाई नहीं देती है, क्योंकि जो उत्तराखंड का वोटर है वो बिल्कुल अलग उसका मिजाज है। हमने तमाम इसमें तमाम धरातल पर हम घूमे, हर विधानसभा में तमाम गए हम, तो उसका मिजाज कुछ अलग था। हाँ, कुछ सीटों पर जरूर दो या तीन सीटों पर आम आदमी पार्टी की स्थिति मजबूत है, लेकिन ऐसा चमत्कार होने की मुझे उम्मीद नहीं है कि बिल्कुल कुछ एक लहर जो मुझे आम आदमी पार्टी के उत्तराखंड में दिखाई दी, क्योंकि टिकट बंटवारा से लेकर और उसके बाद के जो हालात रहे वो काफी जुदा रहे। टिकट बंटवारे से पहले आम आदमी पार्टी की स्थिति जो थी काफी अलग थी, एक अच्छा आम आदमी पार्टी ने स्कोर खड़ा कर दिया था आप तमाम लोगों के बीच में, लेकिन जैसे ही इनका टिकट का वितरण हुआ और हमने जो इनके टिकट के चेहरे देखे, तो मुश्किल से 15 या 20 चेहरों को छोड़कर हमें बहुत निराशा हाथ लगी कि जो टिकट का हमने वितरण देखा, तो उसके बाद हमें लगा कि जिस मजबूती से हमारी पार्टी को टिकट का वितरण करना चाहिए था वो उत्तराखंड में हुआ नहीं है। लेकिन और भले ही अभी ये 10 तारीख के बाद आम आदमी पार्टी रिस्क में है या रिस्क फैक्टर से बाहर है? देखिए, 10 तारीख के बाद की जो स्थिति है, मुझे लग रहा है कि 3 या 4 सीटों पर जो इनकी स्थिति है वो बेहतर रहेगा, बाकी सीटों पर मुझे नहीं लगता कि जमानत बचने की स्थिति भी आएगी, क्योंकि इतना अभी इतना फैक्टर उत्तराखंड में हुआ नहीं है। वो जो जिस तरह से आप दिल्ली और पंजाबी परिकल्पना उत्तराखंड में कर रहे हैं वो स्थितियां नहीं है। अभी 5 साल आपको और धरातल मेहनत करनी पड़ेगी। 2027 सीधी सीधी बात बताइए, गोयल जी कुछ उम्मीद लगाए इनसे या फिर नहीं लगाए? सीधी सीधी नहीं, गोयल जी इनसे 1 सीट की उम्मीद लगा सकते हैं, 1 सीट ये गोयल जी को खाते में दे सकते हैं। अगर गोयल जी थोड़ा मेहनत करेंगे और कुमाऊं की तरफ एक चक्कर मार के आ जाएंगे तो एक आध को तो गाड़ी में बैठा कर ला सकते हैं गोयल जी। गोयल जी अवधेश जी कह रहे हैं कुमाऊं जाना पड़ेगा, उसमें 1 सीट दिखाई दे रही है, उसमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी आपको। देखिए, मैंने आपको कहा कि भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर स्पष्ट बहुमत से सरकार बना रही है, भारतीय जनता पार्टी को इधर उधर देखने की कोई आवश्यकता नहीं है सर। अब तो भारतीय जनता पार्टी, अब तो नतीजे आने वाले, अब तो सर, अब तो बता दीजिए सर, अब तो नतीजे आने वाले, नतीजे आने वाले, मैं तिलक जी नतीजे आने वाले हैं, इसलिए सही बात बता रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का बहुत जो हमारा वोट शेयर है, अगर आप उसे देखेंगे तो आपको सारी कहानी समझ में आ जाएगी। तो फिर आपके नेता दिल्ली दौड़ क्यों लगा रहे हैं, इंडिया गेट पे आइसक्रीम खाने जा रहे हैं क्या? नहीं नहीं, देखिए दिल्ली हमारे देश की राजधानी है, हमारे पार्टी का मुख्यालय है, तो अपने मुख्यालय में जाना और अपने देश की राजधानी में जाना, तो फिर चौधरी जी तो, फिर चौधरी जी ये अफवाह क्यों फैला रहे कि प्रदेश अध्यक्ष जी की छुट्टी होने वाली है? नहीं तो ये तो भाई अफवाह फैलाने के लिए, पार्टी इनके पास और कोई काम है ही नहीं आजकल, आजकल इनके पास काम सिर्फ भ्रम फैलाना, झूठ बोलना, झूठ फैलाना है, इसके अलावा ऊपर केंद्रीय नेतृत्व से लेके नीचे तक इनके पास और कोई काम नहीं है। नहीं सर, उन्होंने कैबिनेट बना लिया, आपको मालूम ही नहीं, हरीश रावत जी ने तो मुंबई में लाल के असली सपने देखने का सबको नहीं कहा है। चौधरी साहब, सुना आपने जी, वो कह रहे हैं मुंगेरी लाल के असली सपने मत देखिए, सरकार हमारी ही बन रही है, निश्चिंत रहिए कोई तोड़फोड़ नहीं होगी। आप चंदन को आरसी क्या, पढ़े लिखे तो फारसी क्या, ये तो 10 तारीख में 11 बजे पता लग जाएगा। और गोयल साहब जो हैं, इनका प्रधान का अनुभव है राजनीति का, लेकिन क्या होता है कि पार्टी की लाइन पर बात करनी पड़ती है, मन इनका, दिल इनका भी जानता है कि स्थिति किस कंडीशन में है,
मुख्यमंत्री के वीडियो वायरल हो रहे थे पैसा बांटते हुए, खुद मुख्यमंत्री पैसा बांटने की स्थिति में आ गए हूँ, और इतने बड़े मैंडेट के बाद उत्तराखंड के अंदर तीन तीन मुख्यमंत्री इन लोगों ने बदले, तो इनका जनता के पास जवाब देने के लिए तो कुछ भाजपा के पास है नहीं। लेकिन लेकिन ठीक है, जनता ने परिवर्तन का मन बनाया हुआ है और मुझे पूरा विश्वास है कि बहुत बड़े बहुमत के साथ कांग्रेस पार्टी उत्तराखंड के अंदर सरकार बनाने जा रही है। यानी हरीश रावत मुख्यमंत्री बन रहे हैं? जी बिल्कुल बन सकते हैं। नहीं नहीं बन नहीं सकते, मैं पूछ रहा हूँ उत्तराखंड फिर कौन बनेगा फिर? नहीं नहीं कोई देखिए, ये पार्टी के हाईकमान को फैसला लेना है। मतलब हरीश रावत मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे आप ये कह रहे हैं? नहीं नहीं बन सकते हैं, हरीश रावत सबसे सीनियर नेता है उत्तराखंड। इतनी कंफ्यूजन क्यों है, बन सकते हैं मतलब? नहीं उत्तराखंड के देखिए हरीश रावत सबसे ज्यादा अनुभवी नेताओं में से एक हैं। नहीं मैं भी आपके न्यूज चैनल, मैं हरीश रावत को लेकर निबंध नहीं पूछ रहा, वो तो सब जानते हैं, बच्चा बच्चा जानता है। अब फिर आप इतिहास बताएंगे तो फिर बच्ची सिंह रावत जी का नाम भी आएगा, है ना सर? छोड़िए उस बात को, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि हरीश रावत ही क्यों नहीं? सरकार तो आप लोग बना रहे हैं, हरीश रावत जी तो कैबिनेट लेकर घूम रहे हैं जेब में कि यहाँ ये निर्दलीय वाली और ये जो है वो उनकी अपनी समर्थन के साथ। सबसे बड़ा चेहरा हरीश रावत ही है उत्तराखंड के अंदर और मुख्यमंत्री उन्हीं को बनना भी चाहिए, ये मेरी पर्सनल राय है। लेकिन नहीं, आपकी व्यक्तिगत राय, ये पार्टी हाईकमान को तय करना है। नहीं वो यही तो बात है सर, पार्टी हाईकमान को तय करना है ना। लेकिन राजीव भाई क्या कहते हैं उसे, प्रीतम सिंह की तो सारे निर्दलियों से ही मिल रही है, आम आदमी पार्टी वालों से ही मिल रही है, बसपा वालों से ही मिल रही है, हरीश रावत जी तो लाल कुआं से बाहर ही नहीं आ रहे। देखिए जिस तरह से अवधेश जी, जिस तरीके से चुनाव के टाइम में प्रत्याशी हर व्यक्ति के पास वोट मांगने जाता है, चाहे वो किसी भी विचार, सबको अपने अपने प्रयास करने का अधिकार है। प्रीतम सिंह जी भी हमारे सीनियर नेता है, प्रयास कर रहे हैं, और हरीश रावत जी भी हमारे सीनियर नेता है। बाकी हाईकमान और विधायकों को तय करना है कि कौन मुख्यमंत्री बनेंगे, कौन मंत्री बनेंगे, ये सब पार्टी हाईकमान का फैसला होता है और वही लोग करते हैं। और हमें पूरा विश्वास है कि कांग्रेस सरकार बनने जा रही है और हरीश रावत जी के, मैंने आप लोगों के न्यूज चैनलों पर देखा है, जब भी उत्तराखंड में सर्वे हुआ तो हरीश रावत जी सबसे बड़ा चेहरा होते थे। नहीं वो बात तो ठीक है, ये बात आला कमान को आप समझा दीजिएगा, लेकिन आप एक बार फिर से बोले कि मेरी इच्छा है हरीश रावत, समझ रहा है सर? नहीं नहीं एक मेरा सवाल सुन लीजिए, मेरी इच्छा है कि मैं हरीश रावत को मुख्यमंत्री बनता हुआ देखना चाहता हूँ। ये समय एक मिनट में बता देता हूँ, समय 5:36 है और चौधरी साहब आप बोलेंगे और ये क्लिप निकाल के रणजीत रावत जी और प्रीतम सिंह को भेजिएगा। बोलिए आप चौधरी साहब। नहीं नहीं देखिए मेरे, मुझे पे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्लिप, मैं तो मेरी आदत नहीं रही है। नहीं नहीं आपको फर्क नहीं पड़ता, मैं भेज दूंगा उनको कि देखिए आपके नेता कह रहे हैं हरीश रावत को मुख्यमंत्री बनाओ। जी हरीश रावत मुख्यमंत्री बन सकते हैं, बिल्कुल बन सकते हैं। जो बात आपने बोली कि मेरी व्यक्तिगत इच्छा है कि हरीश रावत मुख्यमंत्री बने, ये मेरी व्यक्तिगत राय है कि हरीश रावत को मुख्यमंत्री बनना चाहिए, उन्हें एक मौका और मिलना चाहिए उत्तराखंड की सेवा करने का, उसके अनुभव का फायदा मिलेगा रावत जी को, जो उनका अनुभव है उसका फायदा मिलेगा उत्तराखंड के लोगों को। उन्होंने राजनीति में बहुत लंबा जीवन है, केंद्र से लेकर राज्य तक उन्होंने काम किए हैं, और उनका जो पिछला 3 साल का समय रहा है मुख्यमंत्री का बड़ा ऐतिहासिक रहा है। तो वो जो है, जबकि 18 महीने उन्हें काम करने को मिले, 12 महीने तो इन लोगों ने उन्हें वैसे ही दुखी करके रखा, 12-13 महीने एक साल। रणजीत रावत और प्रीतम सिंह जी को भिजवा दूं ये क्लिप? जी बिल्कुल भिजवा सकते हैं सर, बिल्कुल भिजवा दूं। अच्छा समय 5:38 हो गया, नोट कर लीजिए, क्लिप प्लीज भिजवा दीजिए। चौधरी साहब कह रहे हैं मेरी ये क्लिप भिजवाइए रणजीत रावत जी को भी और प्रीतम सिंह जी को भी। ओके गोयल साहब, और गोयल साहब देखा आपने कितने निष्ठेवान कार्यकर्ता हैं, उनका कहना यह है फैसला भले ही आला कमान का होगा लेकिन हमारे दिल में हरीश रावत जी बसते हैं, हरीश रावत जी को लेकर हम कह रहे हैं कि उनको मुख्यमंत्री बनना चाहिए। आप यही बात दोहरा दीजिए धामी जी को लेकर। बिल्कुल धामी जी मुख्यमंत्री हैं, अब रहेंगे, दोबारा बनेंगे, भारतीय जनता पार्टी में किसी प्रकार की कोई शंका नहीं है। कल को निर्दलियों ने तय किया, गोयल जी कल को निर्दलियों ने तय किया कि मुख्यमंत्री कौन होगा फिर? मैं कह रहा हूँ ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, इनकी जरूरत नहीं पड़ने वाली है, भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की, स्पष्ट बहुमत की सरकार बनने वाली है। सर ये बात 2007 में भी सुनी थी हमने, जब राजेंद्र भंडारी और यशपाल बेनाम के समर्थन की जरूरत पड़ी थी आपको। हर व्यक्ति राजेंद्र भंडारी और यशपाल बेनाम नहीं होता ना, अगर कोई शर्त रख दे कि भैया हमें खंडूरी जी नहीं चाहिए, कोई दूसरा मुख्यमंत्री चाहिए, फिर क्या करेंगे आप? तिलक भाई मेरा एक निवेदन है आपसे, आप तो बड़े अध्ययन करते हैं, डिबेट करते हैं, 2012 में और 2022 में जमीन आसमान का अंतर है जी। 2012 में हमारा वोट शेयर था 33%,
आज हमारा वोट शेयर क्लोज कर चुका है 46%। तो अगर आप पुराने हिसाब से बात करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर लोकसभा के चुनाव में चला गया था 57%। तो मुझे अगर अगर आप थोड़ा सभी बच्चों का सभी आंकड़ों पर गौर करेंगे तो आपको 2012 अगर मेरा आकलन सही है तो आपको आपकी बार 60 पार करने के लिए लगभग 50% वोट चाहिए होंगे सर, मिलेंगे आपको? नहीं देखिए, मैंने कहा आपसे कि हमारा नारा था आपकी बार 60 पार, हमारा लक्ष्य था आपकी बार 60 पार। हम देखते हैं कि वहाँ उससे कितने नजदीक तक हम पहुँचते हैं उसके, लेकिन हम निश्चित रूप से पूर्ण बहुमत की सरकार बना रहे हैं, इसमें कोई शक कोई दो राय नहीं। ओके, अवधेश जी अपनी बात रखना चाह रहे, फिर डीके पॉल जी आपके पास आ रहा हूँ। अवधेश जी अपनी बात रखिए, वो ये मुझे समझा रहे हैं गोयल साहब, ये 2012 नहीं है, ये 2007 नहीं है, ये 2022। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं वही जोड़ूंगा, गोयल सर बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये 2012 नहीं है, 2022 है, क्योंकि 2012 में अटल आडवाणी की भाजपा थी और 2022 में मोदी और अमित शाह की भाजपा है। यानी वो ये बताना चाह रहे हैं कि अगर निर्दलीय भी जीत के आते हैं तो यहाँ निर्दलीय की सुनी नहीं जाएगी, बल्कि बताया जाएगा कि मुख्यमंत्री किसे होना है, आपने कहाँ हाथ खड़ा करना है, कहाँ समर्थन देना है। वो दौर नहीं है कि यशपाल बेनाम या राजेंद्र भंडारी से मतलब वो किया गया और तब चीजें होंगी, या 2012 में दिनेश धरने ने तय कर दिया कि मुझे विजय बोगड़ा मुख्यमंत्री बनेंगे तो समर्थन दूंगा। ये 2022 की भाजपा है, इसको पता है कि मुख्यमंत्री किसे बनाना है, समर्थन कैसे लेना है। सही कह रहे हैं गोयल जी। अवधेश भाई, अरे हमारे अवधेश भाई बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, मैं इनकी बात को काटूंगा नहीं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी 2012 के बाद 2022 में जो भारतीय जनता पार्टी है उसके जनाधार में बहुत व्यापक वृद्धि हुई है और इसलिए हम अपने दम पर सरकार बनाने में सक्षम है। अवधेश जी बता रहे थे कि कुमाऊं का दौरा कराइए, लेकिन हरिद्वार भी घूम के आए हैं सर, हरिद्वार वाले भी बहुत एक्टिव है आजकल। मैं बता रहा हूँ कि एक्टिव तो सभी लोग हो सकते हैं, सबको अपने अभी 3-4 दिन का समय और है, अभी सब लोगों को प्रयास लगाने के, अनुमान लगाने के, कौन जीत रहा सर, मैं प्रयास लगा ही नहीं रहा। चौधरी साहब की चिंता थी, उनको ये डर था कि भाई आप तोड़फोड़ ना कर दें, तो मैंने कहा चलिए चर्चा करवा देता हूँ, गोयल साहब जी से छोटी दिलवा देता हूँ, अब इससे ज्यादा सर मैं क्या कर सकता हूँ। धन्यवाद इसके लिए। जी जी जी, है ना सर, आपको साथ, आपको सामने बिठा दिया, आप कहेंगे तो मैं देवप्रयाग भी फोन मिलवा देता हूँ, बागेश्वर भी फोन मिलवा देता हूँ, काशीपुर भी फोन मिलवा देता हूँ, आप कहेंगे तो मैं यमुनोत्री और केदारनाथ भी मिलवा देता हूँ सर। जी मैं कह रहा हूँ तार तो जुड़ गए होंगे वैसे। नहीं देखिए, हम अपने सभी कार्यकर्ताओं से लगातार संपर्क में रहते हैं, सबके लगातार संपर्क है सबसे, और सबको अच्छी तरह से जानते हैं, समझते हैं, सबकी ग्राउंड रियलिटी का सबको पता है, लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर बहुमत की सरकार बनाने वाले जी। देखिए प्रैक्टिकल बात करिए सर, देखिए सरकार आपको भी बनानी है, इनको भी बनानी है, हरीश रावत जी आपके लिए ग्राउंड छोड़ देंगे आपको लगता है? हरीश रावत जी के लिए तो उनके साथियों ने ग्राउंड नहीं छोड़ी, उन्हें लाल कुएं से जाना पड़ा, रामनगर से जाना पड़ा लाल कुआं, और लाल कुएं में भी उनके सामने खड़ी कर दी संजय दादा को। तो हरीश रावत जी की स्थिति को समझो, हरीश रावत जी चुनाव हार रहे हैं, हरीश रावत जी चुनाव हार रहे हैं। हाँ आप देख लीजिए, आप पता कर लीजिए। अच्छा संध्या बालाकोटी चुनाव हार दी, हरा देंगे उनको, संध्या बालाकोटी जी बीजेपी हराएगी चुनाव। अच्छा चर्चाएं तो ये भी थी कि संध्या जी को आप लोग ही कह रहे थे कि नहीं खड़े रहना है, पीछे नहीं हटना। अरे तो वो तो उसमें क्या बुराई है, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। यस, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, तो मतलब मेरा मतलब आकलन था वो सही निकला कि आप लोग ही फोन पर थे जो संध्या जी सुबह कह रही थी कि हाँ मैं नाम वापस ले रही हूँ, और दोपहर आते आते कि नहीं भैया ना मैं नाम वापस नहीं लूंगी। तो गोयल साहब आपने ही फोन किया था क्या? नहीं, राजनीति में देखिए आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, राजनीति में इस तरह की चीजें सब चलती हैं, सब अपने हिसाब से रणनीति बनाते हैं, किसी के खड़े होने से फायदा होता है, किसी के यानी आपकी सरकार बनेगी तो संध्या बालाकोटी का आप लोग ध्यान रखेंगे, उनको राज्य मंत्री का दर्जा भी दे देंगे। ये आपका अनुमान हो सकता है, ये आपकी इच्छा हो सकती है, भारतीय जनता पार्टी अपने हिसाब से निर्णय करेगी। नहीं नहीं सर, मेरी इच्छा क्यों होगी वो सर, अगर आपके कहने पर प्रत्याशी ने नामांकन वापस नहीं लिया तो वो तो आपकी इच्छा होगी ना सर। नहीं ये तो आप कह रहे हैं, ये हमारी कहने से नहीं लिया। नहीं सर, आपने कहा ना कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, मैं इसलिए पूछ रहा था।
नहीं, ये तो मैंने जनरल आपको चीज बताई है, जनरल आप बताइए इसमें कोई गलत बात हो तो बताइए। ओके डीके पॉल जी, अपनी बात रखिए, फिर उसके बाद मैं चौधरी जी आपके पास आ रहा हूँ। बोलिए क्या कहना चाह रहे हैं, अनम्यूट कर लीजिए डीके पॉल। भारतीय जनता पार्टी के आचरण को पूरा देश जानता है, उत्तराखंड के लोग जानते हैं। इनको लोगों के नौजवानों के रोजगार से, इनको जो हमारे राज्य की परिसंपत्ति 1,25,000 करोड़ रुपए की यूपी के कब्जे में, हाँ जब किसी की सत्ता को गिराना होता है, ये अपनी सत्ता को ये इनके ऊपर का ऋण बनाना होता है तो ये किसी भी हद तक है, यानी ये नोटों से भरे बैग और अपनी देश की सत्ता जिसमें ये बैठे हुए हैं उसके सीबी से तमाम चीजों के डर से भी सत्ता बना सकते हैं, यानी एक ही प्रकार है। भारतीय जनता पार्टी इस देश की राजनीति में बहुत बड़ा निचले स्तर का परिवर्तन आया है और वो उत्तराखंड में हमें देखने को मिलेगा। इनके सामने आम आदमी पार्टी बड़ी टक्कर देने वाली पार्टी, इनको हराने वाली पार्टी, इस चीज को तैयार कि हम भारतीय जनता पार्टी के आचरण को जितना गिर जाए ये गिर जाए। लेकिन गोयल जी आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं, जिस प्रकार से अपने अच्छा ओके, मैं आपके सामने अभी पूछ लेता हूँ। डीके पॉल जी ये कह रहे हैं कि 10 तारीख के बाद आप मुंह दिखाने लायक नहीं होंगे चैनलों पर। मुंह दिखाने के लायक तो ये दिल्ली में नहीं रहते पर फिर भी मुंह दिखा रहे हैं। 56 चूहे खा के दिल्ली, पहले अपना मुंह तो आप देखिए दिल्ली आम आदमी पार्टी ने। और रही बात हम सत्ता में आपका कांग्रेस पार्टी आए थे भारतीय जनता, आप सुचिता की बात करते हैं। आप ये कह रहे हैं एक विधायक आएगा तो नींद हराम कर देंगे इनकी। एक मैं बात कर रहा हूँ, हमारा एक विधायक इनके 56 के बराबर है, एक विधायक 56 के बराबर है, एक विधायक 56 के बराबर है, बिल्कुल एक विधायक आ रहा है। मतलब हम नहीं देखिए, ये तो आपका आकलन है, आप इनकी सत्ता भी मेरा आकलन है। मीडिया की जो ताकत है देश के अंदर, जो छोटा चौथा खंभा है, मजबूत खंभा है, आप मध्यांतर भी बनिए, इनका सब कुछ बनिए कांग्रेस पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी का। लेकिन आम आदमी पार्टी बड़ी ईमानदारी के साथ में जनता की सेवा करने के लिए घर में आई है। डीके पॉल जी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके ऊपर भी आरोप लगा दिया, आपके ऊपर भी आरोप लगा दिया, ठीक है भाई। मैं गोयल साहब इनको समझा देता हूँ। ना डीके भाई, डीके जी, गोयल जी का गुस्सा बाजी में है यार, गुस्से में है। कोई फर्क नहीं पड़ता, मुख्यमंत्री खंडूरी जी रहे हो, निशंक जी रहे हो, विजय बोगड़ा जी रहे हो, हरीश रावत जी रहे हो, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी रहे हो, तीरथ सिंह रावत जी रहे हो, त्रिवेंद्र सिंह रावत के बाद, फिर उसके बाद तीरथ के बाद धामी जी रहे हो। सवाल सत्ता से ही पूछता था मैं, ये गोयल जी भी बैठे हुए हैं, चौधरी साहब भी बैठे हुए हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कांग्रेस आए बीजेपी आए, जो सत्ता में आएगा सवाल उसी से पूछूंगा। मैं मानता हूं उस बात को, मैं और बात ये अपना सर्टिफिकेट सर रखिए, ऐसे कई सर्टिफिकेट मैं बाहर डस्टबिन में फेंक देता हूं। एक सर्टिफिकेट बाहर के फेंक देता हूं। अगर इतनी निष्पक्षता की बात हुई ना सर, मैं तो खुला ठोक के बोलता हूं, ना पक्ष ना विपक्ष, निष्पक्ष इसलिए ये कलम गुलाम नहीं है। अब सुनिए मेरी बात, अगर चैलेंज कबूल है तो इस मंच से फिर बोलता हूं, डीके पॉल जी आप बैठे हुए थे, आपके अपने नेताओं ने आप लोगों के ऊपर आरोप लगाया कि आप लोगों ने सेटिंग गेटिंग करके डमी कैंडिडेट उतारे हैं, ये मेरे आरोप नहीं थे और मैंने वो आरोप दिखाए, मैंने खुले तौर पर कहा कि आरोप दिखाए, न्यूज वर्ल्ड इंडिया ने दिखाए, जो आरोप आपके नेताओं ने लगाए वो हमने दिखाए। मैं फिर आपसे कह रहा हूं, अगर आपके अंदर ताकत और हिम्मत है तो आप जांच बिठाइए, जांच बिठाइए, अपने नेताओं से पूछिए कि किसने किसनी खरीद फरोख्त की और कहां कहां डम्मी कैंडिडेट हुए। ओ, आप बिल्कुल बोलिए, आपको पूरा अधिकार है। ना, मेरा अधिकार नहीं है, आपने सुचिता की बात की तो मैं नैतिकता की बात कर रहा हूं। बिठाइए ना अपने नेताओं को, पूछिए उनसे जिन्होंने आरोप लगाए कि आप लोगों ने टिकट को बेचा। नहीं ये देखिए, ये फिर दोबारा से आप उसी बात को ला रहे हैं जिसका कोई प्रमाण नहीं है, जिसका कोई वो नहीं है। सर मैं कौन हूं तुम प्रमाण देने वाला, आपके नेताओं ने आरोप लगाए, मैंने थोड़ी ना लगाए। जिनका राजनीति की कोई करियर नहीं, जिनकी राजनीति
जनता एक भी आदमी उनके पीछे नहीं, उनको टिकट कैसे दे देगी पार्टी? और लगाते हैं मीडिया कहते हैं कि उन्होंने किस देश की आपके अपने आरोप आपके नेता ने लगाए, आपके नेताओं ने आप लोगों के ऊपर आरोप लगाए, आपके प्रदेश प्रभारी पर आरोप लगाए। छह साल के लिए बाहर किया, तो ये सर ये नैतिकता जो है सर, ये नैतिकता है ना, मैं तभी कह रहा हूँ कतनी और करनी में फर्क होता है। इसलिए आम आदमी की आप गोयल जी को कोस दीजिए, चौधरी जी को कोस दीजिए, जो बीजेपी है वही कांग्रेस है, जो कांग्रेस है वही बीजेपी, यही तो आप लोग बोलते हैं। इन्होंने तो राज्य को कर्जदार बना दिया, इनकी क्या बात करनी मुझे? तो आज हजार करोड़ रुपए का तो आज आप कह रहे ना एक विधायक, मैं आपको फिर चुनौती दे रहा हूँ, मैं उत्तराखंड के इतिहास का पल मैं एक एक निर्दलीय को जानता हूँ। अब मैं सिर्फ आपसे ये कह रहा हूं, अगर आपके हाथ में जल है तो उठाइए और यही सौगंध दिलवाइए अपने बड़े नेताओं से कि हमारा एक विधायक भी इनको समर्थन नहीं करेगा। करवा सकते हैं आप? बिल्कुल नहीं करेगा। ये लीजिए मैं पानी ले लेता हूं अभी, ठीक है? लीजिए, गंगा जल नहीं है, पानी है, ये गंगा का पानी है। ये बात सत्य है, आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता इस देश को बचाने के लिए आया है, इस देश के अंदर काम राजनीति करने के लिए आया है, ये आप भली भांति रूप से जानते हैं। सौगंध खा रहे हैं आप? मैं बिल्कुल ईमानदारी से अपनी पार्टी के लिए कुछ भी कर सकता हूं और मेरे जैसे हजारों चुनाव लड़े हैं। ये वही बात, वही पार्टी के नेता है। केजरीवाल जी कभी गैरसैंण नहीं गए, लेकिन गैरसैंण को राजधानी बना देंगे। अरे ऐसी बात आप कर रहे हो गोयल जी, किस पार्टी की बात कर रहे हो? मैं तो पूछ रहा था सर, कल को आपको जरूरत पड़ेगी तो केजरीवाल जी ने भी तो कसम खाई थी बच्चों की। हाँ तो ईमानदारी दिखाई है ना उन्होंने? गोयल साहब आप क्यों भूल रहे हैं? ईमानदारी दिखाई है आपके नेताओं ने? कौन सी ईमानदारी दिखाई? आज हमारे छात्र मर रहे हैं वहां पर यूक्रेन के अंदर, और आपके मंत्री केवल बाउंड्री वॉल पर घूम रहे हैं। आप दर्द समझिए जो बच्चा मरा है उसके पेरेंट्स का। दस तारीख के बाद खेल खत्म। डीके पॉल जी, ये तो वक्त बताएगा, इस राज्य की जनता बताएगी किसका खेल खत्म होने जा रहा है। बिल्कुल वक्त बताएगा, उस वक्त का इंतजार करना चाहिए। लेकिन कुल मिलाकर ये है, कुल मिलाकर चौधरी साहब ये है कि आप लोगों को अपने विधायकों पर यकीन है, लेकिन फिर भी आप सिर्फ और सिर्फ इतिहास देखते हुए अपना डैमेज कंट्रोल कर रहे हैं, किलेबंदी कर रहे हैं। कुल मिलाकर यही कहानी है ना? जी जी यही कहानी है। चौधरी जी, हाँ जी जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। नहीं नहीं बिल्कुल बिल्कुल, हमें अपने विधायकों पर पूरा भरोसा है और कांग्रेस के कार्यकर्ता पर भी पूरा भरोसा है। लेकिन ये कुछ जब सरकार बनाते हैं तो कुछ चीजें होती है, पार्टी हाईकमान अपने तरीके से इस चीजों करती है, तो उस पर कांग्रेस भी चिंतन कर रही है, भाजपा भी। नहीं चौधरी साहब, मैं इसलिए थोड़ा सा असमंजस में करते हैं कि जब टिकट बंटवारा हुआ, चौधरी साहब जब टिकट बंटवारा हुआ तो लगभग हरीश रावत जी के तो सभी समर्थकों को टिकट मिला ना, तो फिर क्या खतरा? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, सभी को खतरा, सभी को टिकट मिला है। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, हाईकमान ने जो तय किया सब लोगों को टिकट, चौधरी साहब पार्टी हाईकमान मतलब हरीश रावत जी ने जो तय किया, जिनको दिलवाना चाह रहे थे उन्हीं को तो टिकट दिलवाया उन्होंने। ना ऐसा नहीं है, वो तो जो पूरा पैनल जो बैठा था उसमें जो तय हुआ, जो उसमें से सबकी चर्चा होकर अच्छे कैंडिडेट निकालने वाली बात थी। और होता है किसी किसी प्रत्याशी के लिए बड़ा नेता रिकमेंडेशन करते हैं, तो ऐसे कई प्रत्याशी हैं जिनके लिए प्रीतम सिंह जी ने रिकमेंडेशन किया, तो वो भी आज आप मुझे बताइए, रणजीत रावत के अलावा किसके लिए रिकमेंडेशन किया उन्होंने, भुवन कापड़ी के अलावा? नहीं, जो गौरव सिंह है डोईवाला से, वो भी उनका रिकमेंडेशन था, उनके वो भी उनका रिकमेंडेशन था। जयंत रमोला है ऋषिकेश में, वो भी उनका रिकमेंडेशन था। और लक्सर में अंतिक सैनी है, वो भी प्रीतम सिंह जी का रिकमेंडेशन था। ऐसा नहीं है, कई जगह पे सभी को सम्मान दिया गया, जिसने जो नाम जहां अच्छा दिया हाईकमान ने। अच्छा, यानी दो गुटों में टिकट के बंटवारे हुए, आप मुझे ये समझा रहे हैं? नहीं नहीं, गुटों में नहीं कह रहा हूं, जिसने सुझाव दिया। नहीं आपने तो मुझे बताया, तो उसे पैनल ने मान लो। नहीं आपने बताया ना, प्रीतम जी ने यहां रिकमेंडेशन किया था।
हाँ नहीं, आपने कहा ना कि प्रीतम से हरीश रावत जी के कैंडिडेट नहीं, मुझे तो लगा कि शायद हरीश रावत जी के कैंडिडेट सही हैं। कोई नाम बता दे। अवधेश जी अफवाह फैला रहे थे ना, इसका मतलब कि हरीश रावत जी की चली टिकट बंटवारे में। ना ना, सभी की चली है, सभी की नहीं है, पार्टी हाईकमान से मिलकर तय किया है। गोयल सर जी का अपना एक्सपीरियंस है, बहुत पुराने पत्रकार है, तो ऐसा नहीं है, कांग्रेस में सबने मिलकर तय किया है और अच्छे प्रत्याशियों को चुनकर, क्योंकि बड़ी लंबी कई बार अच्छे प्रत्याशी उतारे, चुनाव अच्छा हुआ, लेकिन अब नतीजे क्या आएंगे, क्योंकि गोयल जी कह रहे हैं अब की बार 60 पार, हम उस 60 पार के टारगेट के करीब होंगे। आप ये कह रहे हैं ये कि तो 56 और 60 में अटके रहते हैं जी, जी आप कह रहे हैं कि लगभग 45 सीटें और उत्तराखंड तक कत्ल करने वाले आपके साथ आ गए, बड़ा नाराज हो जाते हैं आपके। नहीं वो तो नहीं लड़े हमारे से, चुनाव पार्टी ने टिकट नहीं दी, नहीं टिकट नहीं दी, लेकिन साथ तो ले आए, उत्तराखंडियत का कत्ल करने वाले, आप ही तो बोलते थे कत्ल कर दिया उत्तराखंडियत का, कत्ल कर दिया, माफ आपने कर दिया 8x8 के कमरे का। त्रिलोक जी उन्होंने पछतावा किया इस बात के लिए, पछतावा 10 तारीख के बाद पता चलेगा आपको, 10 तारीख के बाद इंतजार करिए। ये ऐसे कई माफीनामे हमने देखे हैं, यशपाल आर्य जी से पूछेगा, 100-100 को नोटिस जारी किया था, एक घंटे में सारे नोटिस वापस हुए थे, ये अनुशासनहीनता है, जब प्रदेश अध्यक्ष नोटिस जारी कर दे और एक घंटे में नोटिस वापस हो जाते थे, एक घंटे में, आप किन नेताओं की बात कर रहे हैं सर, जिन्होंने उत्तराखंडियत का कत्ल किया, छोड़िए सर चौधरी साहब, छोड़िए, बहुत बहुत शुक्रिया, उत्तराखंडियत का कत्ल करने वालों को आप माफी किस अधिकार से देते हैं, आपने क्यों अधिक लिखित में दिया, भविष्य में इस तरह की कभी नहीं करेंगे, क्यों आप कौन होते हैं, स्वीकार किया कि उनको, उनको आप कौन होते हैं उनको माफ करने वाले, उत्तराखंडियत का कत्ल उन्होंने किया तो उत्तराखंड माफ करेगा, हमारी पार्टी की सरकार उन्होंने गिराई, आपकी पार्टी की सरकार गिराई, उत्तराखंडियत का ठेका आपने ले रखा है, हमसे ही तो बात करेंगे, उत्तराखंडियत का ठेका आपने ले रखा है, मतलब जो जो आपकी पार्टी से नहीं जुड़ा वो उत्तराखंड का नहीं है, नहीं जो जो लेंस डाउन में रिजल्ट आएगा उसमें पता लग जाएगा कि जनता ने माफ किया नहीं किया। सर लेंस डाउन का इंतजार कर लेंगे, आप भी यही है मैं भी यही हूँ, 10 तारीख भी नजदीक है। गोयल साहब थैंक यू सो मच, बहुत दिनों बाद आपका दीदार हुआ, बहुत बहुत शुक्रिया, चौधरी जी आपका भी, डीके पॉल जी आपका भी, अवधेश भाई आपका भी, बहुत बहुत शुक्रिया। अभी देखिए उत्तराखंड की सियासत में होना बहुत कुछ बाकी है, 7 मार्च को बीजेपी की बैठक है और एक बैठक कांग्रेस के घर में भी चल रही है, अभी देखिए आगे आगे होता है क्या। फिलहाल